आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है कि यार इंटरनेट पे मैंने कई बार ऐसी जगहों के बारे में सुना है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल काम ही नहीं करता, जैसे मिस्ट्री स्पॉट जहां पर गेंद नीचे के बदले ऊपर जाती है, और ये झरना जहां पानी नीचे के बदले ऊपर बरसती है। पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होती तो हम लोग सब स्पेस में उड़ चुके होते। गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया के हर कोने में मौजूद है। इस पूरी सृष्टि में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, पर इस धरती पर ही कुछ ऐसे जगहें मौजूद हैं जहां पर ऐसा लगता है कि गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं। इनमें से कुछ जगहों को वैज्ञानिक समझा सकते हैं और कुछ जगहें आज तक एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 3, मैग्नेटिक हिल, लद्दाख, इंडिया। यहाँ के पहाड़ों में चुंबकीय शक्ति है या कुछ और, वो तो कोई नहीं जानता, पर यहाँ बहुत अजीब चीजें होती है। जब आप इस जगह पर जाओगे तब आपको एक बोर्ड देखने मिलेगा जिस पे ये लिखा रहेगा, मैग्नेटिक हिल, द फेनोमेनन दैट डिफाइज ग्रेविटी। मतलब इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल काम ही नहीं करता। जब आप लोगों ने मुझसे इस जगह के बारे में पूछा तब आप लोगों में से कई लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये है कि आप वहाँ पर उड़ सकते हो? पर दोस्त, वो न्यूज, वो रिपोर्ट जो इंटरनेट पे आई थी, वो फेक है। यहाँ पर ये होता है, आप अपनी गाड़ी को एक मार्ग पर रखते हो जो ऑफिशियली वहाँ पर बनी हुई है, ताकि आप वहाँ की अजीबनेस को अनुभव कर पाओ। तो आप अपनी गाड़ी की इंजन को ऑफ कर देते हो। जब आप किसी गाड़ी को ऑफ करके छोड़ देते हो तब जिस साइड की सतह नीचे की तरफ जाती है उसी साइड वो गाड़ी नीचे लुढ़कने लगती है। नॉर्मल केस में यही होता है, पर क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि गाड़ी ढलान की तरफ नहीं बल्कि उस साइड जाने लगे जो ऊपर की ओर जा रही है। बिल्कुल यही होता है यहाँ पे। ये गुरुत्वाकर्षण बल कम होने का कमाल है या फिर पहाड़ों का चुंबकीय होने का, ये कोई भी वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम या ज्यादा होना संभव है ही नहीं। अगर कोई साइंस स्टूडेंट इस बात को सुनेगा तो वो मुझसे बोलेगा चुप, पर भैया यही होता है यहाँ पे। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो इस चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इसलिए हर साल फेसबुक पे कोई ना कोई वीडियो वायरल हो ही जाती है। इस जगह पर कार चलाओ या बाइक, दोनों का यही हाल होता है। और ऐसी कम ग्रेविटी वाली जगह भारत के साथ साथ और भी कई जगहों पे है। ऑस्ट्रेलिया की मैग्नेटिक हिल उनमें से एक है। इस जगह पर आप अपनी गाड़ी को ऑफ करके छोड़ दो तो वो अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। इस वीडियो में गाड़ी चल रही है वो बड़ी बात नहीं है, पर इन जगहों की रहस्यमयी बात उस बात से जुड़ी हुई है कि गाड़ी उस तरफ क्यों जा रही है जिस तरफ अप है, जिस तरफ चढ़ान है। स्पूक हिल फ्लोरिडा में भी यही देखने मिलता है। यहाँ पर भी एक बोर्ड मिलता है जो आपको गाड़ी की इंजन ऑफ करके उस चीज को अनुभव करने कहता है। इस जगह पर भी गाड़ी नीचे से ऊपर जाती है। आप में से जो लोग इस चीज को अनुभव करना चाहते हो खुद से, अगर टूर पे जाते हो तो जम्मू एंड कश्मीर की मैग्नेटिक हिल पर एक ना एक बार जरूर जाना। नंबर 2, वाटरफॉल ऑफ पुणे, महाराष्ट्र। जब भी आप कहीं घूमने जाते हो तब आपने वाटरफॉल तो देखा ही होगा, वो खूबसूरत फॉल जहाँ पर एक सुंदर तरीके से पानी ऊपर से नीचे गिरता है पूरे जोर की आवाज के साथ। पर पुणे महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जहाँ पर झरना नीचे के बदले ऊपर की तरफ बरसता है। ये उन नजारों में से है जो बहुत कम देखने मिलता है। ये कुदरत का एक करिश्मा है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है इसलिए पानी ऊपर की तरफ जाता है, पर वैज्ञानिक कहते हैं कि उनके पास इस जगह का एक्सप्लेनेशन है। गाड़ी वाली फैक्ट तो आज तक एक रहस्य है, पर इस झरने को साइंटिस्ट समझाने का दावा करते हैं। उनका ये कहना है कि इस जगह पर पहाड़ के इस तरफ से बहुत जोर से हवा चलती है, उस हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है और हवा इतनी स्ट्रांग होती है कि वो झरने को ऊपर की तरफ ठेल देती है। पर अजीब बात यह है कि पहाड़ की उसी जगह पर ऐसा क्यों होता है? आसपास के झरने तो बिल्कुल सामान्य है। ऐसी एक वीडियो हूवर डैम की वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की पानी नीचे गिरा रही है तो वो ऊपर जा रहा है। ऐसा मानो कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काम ही नहीं कर रहा है। इन जगहों का रहस्य ही है। नंबर 1, मिस्ट्री स्पॉट ऑफ सांता क्रूज, कैलिफोर्निया। दो इंसान, दो एडवेंचरर जंगल की तरफ निकले थे और चलते चलते वो जंगल की एक रहस्यमय स्थान पर पहुंच गए। उनके पास एक कॉम्पास था जिससे वो किस दिशा में जा रहे वो देखते थे, पर एक जगह पर आने के बाद उनका कॉम्पास बड़ी अजीब ढंग से गोल गोल घूमने लगा बहुत ज्यादा स्पीड से। इस चीज को पहली बार देखने के बाद उनके होश उड़ गए। उन लोगों को यही लगा कि ये जगह कोई आम जगह नहीं है, और उन्होंने तय किया कि उस जमीन को वो लोग खरीद लेंगे। फिर उन्होंने जमीन खरीद लिया और उस पर एक घर बना लिया।
एक बहुत ही अजीब घर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। इस जगह के बारे में उन्होंने बात फैलाना शुरू कर दिया और लोगों को वो बताने लगे कि कितनी अजीब चीजें होती है इस जगह पे। पूरे अमेरिका में इस जगह के चर्चे होने लगे। इस जगह पर आप बहुत ही अजीब चीजों को अनुभव कर सकते हो। आप अपने आप को किसी भी एंगल पर खड़े कर सकते हो और वो भी बिना गिरे। इस जगह पर आप किसी भी चीज को रोल करोगे तो वो नीचे के बदले ऊपर आने लगे। चाहे कोई भी बॉल हो या पानी हो, वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। अब आप खुद सोचो, जब ऐसी ढलान वाली सतह पर आप बॉल को छोड़ोगे तो वो डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएगी, पर यहाँ पर तो ये उल्टा हो रहा है। क्या ग्रेविटी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है? विचारकों का ये मानना है कि इस जगह के जमीन के नीचे कोई रहस्यमय चीज मौजूद है जिसके चलते ऐसा होता है। कई ये कहते हैं कि पुराने जमाने में अंतरिक्ष से आया हुआ कोई अंतरिक्ष यान यहाँ पर दबा हुआ है जो मैग्नेटिक है, मतलब हर कुछ को वो अपने तरफ खींचता है। पर खुदाई के बाद भी आज तक उस जगह के नीचे कोई अंतरिक्ष यान नहीं मिला। उस जगह की असलियत आज तक किसी को नहीं मालूम चली। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के मजे तो लेते हैं, पर ये किसी को नहीं पता कि जंगल में पड़ा हुआ सामान्य सा एक घर आखिर इतना अजीब कैसे हो सकता है कि आज तक ये अनसॉल्व्ड है। पर्सनली बोलूं तो इन जगहों में से मैं जम्मू एंड कश्मीर की मैग्नेटिक हिल पर जाना पसंद करूंगा। तो आप किस जगह पर जाना पसंद करोगे? नीचे कमेंट करना मत भूलना भाई। ये वीडियो मजेदार लगा तो लाइक और शेयर जरूर बनता है, और ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे पे जरूर क्लिक करना।